वेलकम बैक टू माई चैनल निकू सुमित एंड ऑफिशियल। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे और नवरात्रों की साफ सफाई में लगे होंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग, मैं भी लगूंगी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भी साफ सफाई करनी है। लाइट्स ना हमारे घर की बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा लाइट्स वगैरह गंदी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना है, अरेंज कर लेना है अच्छे से, क्योंकि हमारे घर पर होता है पाठ। आप सभी को पता है लास्ट ईयर जिन्होंने हमारे ब्लॉग्स देखे हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ 9 दिन 10 दिन कंटिन्यू पाठ चलता है, भंडारा होता है, कीर्तन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इन सारी चीज़ों में फिर तो समय मिलेगा नहीं चीज़ों को अरेंज करने के लिए। मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना है क्योंकि कल बहुत सारी चीज़ें हैं, कल से जो भागम भाग है वो शुरू होने वाली है और मुझे लगता है समय अब नहीं मिलेगा। कम से कम 10-15 दिन तक तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक और बहुत बिजी होने वाला है सारी चीज़ें। बट हाँ, कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टाइम पे मैं ब्लॉग्स देती रहूँ, जितना भी हो पाया एडिट या जितना भी हो पाया शूट, वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइमली दे पाऊँ। सो आज की वीडियो मैंने स्टार्ट किया है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में भी और मेरे को भी है कि आप सभी के साथ शेयर करना है। बहुत सारी चीज़ें मुझे, मैं पहले ही आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप शेयर कर चुकी होती बिकॉज मुझे ना इतनी इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं पता था कि बहुत प्रोटेक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है कि आप ये नहीं कर सकते, ऐसे कर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा सच बताऊं नहीं पता था। मैं अपना सिंपल सी लाइफ है भाई, यूट्यूब पर सिंपल सा ब्लॉगिंग करते हैं, खुद ही मालिक है हर चीज़ का अपने ब्लॉगिंग का, तो जब मर्जी जब कुछ डाल दिया, कुछ बोल दिया, ऐसे कर दिया, तो उस फील्ड के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा लेट हो गया आप सभी के साथ शेयर करने में। तो उसके लिए तो पहले बहुत सारा सॉरी कि मैंने आप लोगों को वेट कराया चीज़ें थोड़ा शेयर करने में, बट ठीक है, जब आप लोगों को गुड न्यूज़ पता चली तो जो आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया मेरे लिए, उसके लिए भी दिल से थैंक यू। सबसे पहले तो जहाँ भी मैं, जो भी मेरे को मिला, छोटा बड़ा जैसा जो भी मेरी लाइफ का वो फर्स्ट चीज़, तो वो उसकी देन आप लोग हैं बिकॉज आप लोगों के प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट से शायद मुझे वो चीज़ मिली। अदरवाइज अगर आपका सपोर्ट प्यार नहीं होता तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलती। दूसरी चीज़ मेरे परिवार का सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इजाज़त दी और इस चीज़ के लिए मेरे समझा कि हाँ मैं कर सकती हूँ और उन्होंने मेरा साथ दिया। ठीक है, सबसे स्पेशल थैंक्स अगर मैं बोलूँगी तो मैं अपने पति देव को बोलूँगी क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक मर्द चाहे तो अपनी बीवी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। शादी के बाद हमारा सब कुछ मुझे लगता है ना हस्बैंड के हाथ में हो जाता है, सच बताऊँ तो। और बहुत सारी लड़की होती है कि भाई वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, बट मैं अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलती हूँ। अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी हर चीज़ अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके ही लाइफ में करूँगी तो मेरे लिए बेटर होगा, बिकॉज जितनी समझ मेरे हस्बैंड को है शायद उतनी समझ मुझे नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले उनकी चीज़ें ही सुनती हूँ और समझती हूँ। ठीक है, काफ़ी लोग को ये लग रहा था कि, मतलब हमारे बिहार भोजपुरी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो मैंने अभी शूट किया है वो हमारे बिहार भोजपुरी से रिलेटेड था, मतलब हमारे बिहार से रिलेटेड चीज़ मिली थी मुझे, क्योंकि मैं बिहार के सॉन्ग्स पे वीडियोस बहुत बनाती थी। उस चीज़ के लिए भी लोग मुझे काफ़ी ट्रोल कर देते थे कि खाली भोजपुरी गाने पे वीडियो बनाती हो, हिंदी पे नहीं बनाती हो, खाली भोजपुरी भोजपुरी। तो शायद कहीं ना कहीं एक वो भी देन है कि मैं भोजपुरी पे इतना ज़्यादा एक्टिव थी तो भोजपुरी इंडस्ट्री को मेरी वो चीज़ दिखी और उन्होंने मुझे ये चीज़ ऑफर की और मुझे वो शायद चीज़ें मिली करने को। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को मैंने एक अपने पॉजिटिव तरीके से लिया और मैं बिना उनकी सुने और मैं कंटिन्यू रही भोजपुरी पे। देखो, भोजपुरी हमारा आन मान शान सब कुछ है, हम बिहार से हैं। ठीक है, आज जहाँ भी है, जो भी हूँ मैं, मुझे लगता है कि उसी वजह से हूँ, बिकॉज मैंने एक अपना जो स्टार्ट किया था ना, मैंने अपना टिकटॉक स्टार्ट किया था भोजपुरी क्वीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था टिकटॉक पे, तो मुझे उसी से एक नाम मिला, उसी से सब कुछ मिला, तो मैंने उसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ी और वही अपना कल्चर आप सभी के साथ शेयर किया ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे बिहार में होता है, अच्छा बुरा सारी चीज़ें। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ अनाउंस की थी कि मैं कोई शूट कर रही हूँ या कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक दो लोग थे जिन्होंने, अब क्या मैं बताऊँ, इसीलिए उनके मन में ऐसी चीज़ें आती है ना, बिकॉज हमारे हमारे भोजपुरी उसमें ना कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत ही वल्गर हैं, बहुत ही ऐसे हैं कि बता नहीं सकती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा नाम हमारे भोजपुरी का ख़राब कर देते हैं कुछ लोग, सबको नहीं बोलूँगी मैं, कुछ लोग को बोलूँगी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी इमेज ऐसी हो जाती है।
तो इस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ ना कि देखिए, मुझे पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा छोटा बच्चा है और मुझे बहुत बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं कभी भी ऐसा कोई भी किसी भी फील्ड में अगर मैं जाऊँ तो कोई भी मैं ऐसा काम नहीं चुनूंगी जिससे मेरी इमेज पे या मेरे परिवार के इमेज पे ज़रा सा भी फर्क पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ, हमेशा रखूँगी, और आगे भी अगर इस तरीके का कुछ भी प्रोजेक्ट मिला, कोई भी ऐसा काम मिला, तो आगे भी मैं ध्यान रखूँगी। काफ़ी लोगों को ये चिंता हो गई थी कि मैं इस फील्ड में घुस रही हूँ तो ये फील्ड थोड़ा सा ऐसा है थोड़ा सा वैसा है, तो हम नहीं चाहते आप ऐसे करो, हम नहीं चाहते ये करें। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल भी धनवीर होने लग गई थी तो इसलिए मैं गई, तो हाँ मैं ये कह रही थी। तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे कि आप लोग को भी दुख हो और बाकी मेरे साथ जो भी जुड़े हैं उनको दुख हो, आप चिंता नहीं करिए। एंड दूसरी चीज़ कि मैंने क्या शूट किया है मैं वो आपको बता दूँ। तो एक सॉन्ग था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपने कोई सीरियल साइन किया है, आपने कोई मूवी साइन किया, तो शायद अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ कि अभी मैं कोई सीरियल साइन करूँ या कोई मूवी साइन करूँ, और शायद उस लेवल पे पता नहीं पहुंच पाऊँगी या नहीं पहुंच पाऊँगी, और अगर पहुंची भी तो पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं उस इससे यहाँ ही हूँ, यहाँ अभी यहाँ नहीं गई हूँ, मैं अभी बस थोड़े से लेवल पर हूँ। आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा तो शायद उस लेवल पर भी जाऊँगी। तो अभी मुझे एक सॉन्ग मिला था जो हमारे बिहार का था, भोजपुरी का था, और उस सॉन्ग को जिन्होंने गाया है वो हमारे बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे टॉप की सिंगर हैं, मतलब टॉप की सिंगरों में आती हैं, जैसे कि एक हमारी है कल्पना जी, और उन्हीं के साथ दो तीन सिंगर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिना ऐसी मतलब ऐसे हिट्स दिए हैं ना हमारी इंडस्ट्री को, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सारे, कि आज भी उनके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, बहुत बजते हैं। तो जब मुझे इस चीज़ का ऑफ़र आया था, वैसे ये सारी चीज़ ना मैं अपने हस्बैंड के साथ आराम से बैठ के बताऊँगी, तो कई मुझे लग रहा है 10 या 20 सॉन्ग आए होंगे जिसमें से एक सॉन्ग सेलेक्ट करना था हम लोगों को, तो ये मैंने टोटली अपने हस्बैंड पे डाल दिया था कि भैया आप सेलेक्ट करो, बाकी वो चीज़ें वो खुद ही बताएंगे अपनी फीलिंग सारी चीज़ें। तो इस सॉन्ग को सब करने का सबसे ज़्यादा ये मेरा था क्योंकि ये बहुत बड़े सिंगर का था, तो मेरा मन था कि मैं करूँ, वरना वैसे ही मैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री से, मैं वैसे भी इस क्या मैं इन सारी चीज़ों के लिए मैं अपनी ब्लॉगिंग लाइफ में मतलब खुश हूँ, मैं अपना ब्लॉग करके खुश रहती हूँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब ऐसा इतना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब चीज़ें आपको मिली और सामने से मुझे पता चला कि इस सिंगर का है, और बेसिकली ये जो सॉन्ग है ये मैं आपको बता दूँ, जो भी सॉन्ग है ये एक एल्बम होता है, जैसे अलग अलग सिंगर्स के एक एल्बम्स होते हैं, इमोशनल सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग्स, ऐसे करके जो एल्बम्स बनते हैं उनके। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पता है, जितना जितना ऊपर झापर मुझे चीज़ें पता है मैं उतना ही ऊपर झापर बस आपसे बता रही हूँ, बहुत डीपली मुझे नहीं पता है। तो इनके ना एल्बम्स होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं सॉन्ग इनके रिलीज एल्बम के अकॉर्डिंग, और ये शूट उसी के लिए हुआ था, उस एल्बम के लिए, कोई इमोशनल एल्बम करके है जिसमें आपको इस तरीके के इमोशनल, हैप्पी और मतलब बहुत अलग अलग तरीके के स्टोरी टाइप्स का जो एल्बम है वो इनका रिलीज होगा, ठीक है। तो इसका वो शूट था, तो वो जो सॉन्ग्स हैं वो उसमें भी रिलीज होते हैं, पता नहीं कहाँ, सावन, जियो सावन, पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे नहीं पता, देखिए बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे बताया था कि ये रिलीज़ होंगे, ठीक है। उसके अलावा तो फिर मैंने उनसे पूछा कि YouTube पे रिलीज़ होगा या नहीं, तो उन्होंने बोला कि YouTube पे देखेंगे, ऐसा नहीं है अभी देखेंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई, मेरी जनता, मेरा सब कुछ तो YouTube पे ही है ना, कि YouTube पे ही है सारी चीज़ें, तो मेरी ऑडियंस तक ये चीज़ कैसे पहुँचेगी अगर आप YouTube पे अगर नहीं करेंगे, कहीं कहीं करेंगे तो। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम YouTube पे भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है आप YouTube पे भी रिलीज करिएगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी करेंगे, वो करते हैं, मतलब उन लोग का भी YouTube का ना एक अलग अलग चैनल्स होते हैं, मुझे नहीं पता, मतलब कोई सॉन्ग चैनल होते हैं, YouTube चैनल होते हैं, क्या होते हैं, बट वो उसी उस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो लोग रिलीज करते हैं। तो वो जो गाना है जो हमने शूट किया है, वो गाना आपको कल यानी कि 2 तारीख को, कल 2 अक्टूबर है, तो कल गांधी जयंती है, और कल जो हमने शूट किया है सॉन्ग वो कल रिलीज़ होने वाला है। कहाँ रिलीज़ होने वाला है ये तो खैर अभी मुझे भी नहीं पता है, जैसे ही मेरे पास लिंक्स या सारी चीज़ें आ जाएंगी मैं अपनी कम्युनिटी में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी, साथ में मैं अपने वीडियो में
मतलब जहाँ मुझसे हो पाया मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैं वो लिंक ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी देखें और आप लोग मुझे खूब सारा प्यार दो, आशीर्वाद दो। मैंने अपना 100% दिया है, जितना मैं दे सकती हूँ। देखिए मैं, मुझे बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता, सच मैं बताऊँ, एकदम दिल की बात बताऊँ आपको तो मुझे बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कुछ क्लासेस तो किए नहीं है डांस के, जो भी थोड़े बहुत हाथ पैर हिल जाते हैं उतना ही। मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग नहीं आती है क्योंकि वो भी नहीं सीखा है, अभी तो शुरू किया है 3-4 साल पहले, तो एक्टिंग भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आता हो। और उसके अलावा जो भी हुआ, बहुत मतलब मैं इमोशनल भी नहीं हूँ, आप सभी को पता है कि मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब वैसा इमोशनल कि जैसे मैं इमोशनल हूँ कि कभी कभी रो दिया, रोने वाला कि हाँ रो दे, जो वो एक्टिंग वाला जो इमोशनल होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन जो वो एक्टिंग वाला होता है ना कि एक्टिंग करना है रोने का या हंसने का एक्टिंग करना है, तो इस चीज़ में मैं थोड़ी सी वो हूँ। और ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ऐसा कुछ वो भी नहीं था, जैसे कहते हैं ना कि आपको आता है, आपको पता है क्या करना है, कहाँ क्या करना है, कैसे क्या करना है, और इतने लोगों के सामने ये सारी चीज़ें करना, बिकॉज आप जब शूट करते हो तो वहाँ पे अलग अलग लोग होते हैं, कोई ड्रोन मैनेज कर रहा है, कोई अलग अलग लेंसेज वाले कैमरे होते हैं, कोई वो मैनेज कर रहा है, कोई आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, कोई आपको स्टेप्स बता रहा है कि आपको यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो बहुत सारे लोगों के बीच ये जो शूट होता है वो होता है, और बहुत सारे लोग कैमरा में दिखते हैं आपको, बहुत सारे लोग कैमरे में नहीं दिखते हैं। लेकिन एक किसी चीज़ को बनाने में ना, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम ये पता चला कि कितने लोग होते हैं, राइटर होते हैं जो लिरिक्स लिखते हैं, फिर उसको म्यूज़िक उसमें दिया जाता है, फिर सिंगर होते हैं। सो जिन्होंने ये गाना गाया है, जिस सिंगर ने, उन्होंने बड़े इमोशन के साथ वो गाना गाया है, मतलब वो गाना सुन के ना आप भी एकदम भावुक हो जाओगे, अगर आप इमोशन के साथ सुनोगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। और ये सब चीज़ें ना इतनी जल्दी जल्दी हुई हमारी लाइफ में, इतनी जल्दी जल्दी कि मतलब मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा था कि ये क्या चल रहा है इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। बिकॉज कुछ टाइम पहले ही हमें ऐसा कुछ मैसेज आया था कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ होने वाला है, फिर उसके बाद हमने गाना वाना भी जब सिलेक्ट कर लिया था ना, तभी मुझे लगता है कि यार मेरे को क्यों लेंगे और मेरे से हो थोड़ी पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं जिस दिन शूट करी थी मुझे उस दिन भी तक ये लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और फिर ये मना कर देंगे कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस दिन तक मेरे मन में यही चल रहा था कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छे से नहीं एक्ट कर पा रहे हो, तो उस दिन भी ये चीज़ें मना हो जाएगी, तो अंदर से ना ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट भगवान का आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से ये चीज़ हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छठ का गीत है और या माता रानी का कुछ गीत है, कुछ वैसा है, माता वगैरह से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको कल ही पता चलेगी कि छठ का है या माता का है या फिर कुछ और स्टोरी है, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी कल के ब्लॉग, कल के जब वो रिलीज़ होगा सॉन्ग तो उसमें। एंड दूसरी चीज़ याद रखिएगा, 2 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैंने बिहाइंड द शूट, बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें शूट की है आप सभी के लिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं कैसा फील कर रही थी, सारी चीज़ें, लेकिन वो अभी मैंने नहीं डाला है, बिकॉज वहाँ से उन्होंने बोला कि पहले हमारा सॉन्ग जाएगा उसके बाद आपका ये जाएगा, तो मैंने बोला ठीक है, फिर इसीलिए मैं वो वेट कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही उनका सॉन्ग रिलीज होता है, सॉन्ग जाता है, वैसे मैं आपको शेयर करूँगी। एंड दूसरी चीज़, जो मैंने उसमें लुक क्रिएट किया है, मतलब जो मैंने नहीं किया है, मतलब जो लुक क्रिएट हुआ है, जो उस सॉन्ग की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हुई हैं, वो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है, और उस तरीके में आप मुझे फर्स्ट टाइम देखने वाले हो, बिकॉज वैसा आपने मुझे कभी भी नहीं देखा है, कभी भी ना ऐसे कपड़ों में मुझे आपने नहीं देखा है उस तरीके से, हमेशा आपने मुझे ऐसे देखा है, मतलब उस तरीके से आपने नहीं देखा है जिस तरीके से आप मुझे कल के सॉन्ग में देखोगे जो रिलीज होगा, तो 2 तारीख को प्लीज़ नोट कर लीजिए, और मेरे को आप लोग खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरी लाइफ का ये पहला सॉन्ग है जो इस तरीके से प्रोफेशनली शूट हुआ है, प्रोफेशनली सारी चीज़ें हुई हैं, और मतलब तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ आप लोग बहुत प्यार सपोर्ट करें। एंड जो भी टीम थी वो लोग भी कल ही निकल गई थी, सभी लोग बॉम्बे से आए थे। एंड जैसे मैंने पता नहीं वॉइस ओवर में बताया था या नहीं बताया था, बट मैं बता देती हूँ, और जो मैंने कल ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि हाँ ये इनको हम जानते हैं, ये बॉम्बे के सबसे नामियर लोगों में आते हैं, मतलब कैमरा और डायरेक्शन वगैरह में,
तो जो बॉम्बे से आए थे, मतलब उनका नेचर भी मैं आपको बताऊं, जो कैमरा मैनेज कर रहे थे, जो मैं उनको भैया ही बोल रही थी, पता है क्या हुआ, मैं जब उनसे मिली ना तो मेरे मुंह से एकदम से भैया ही निकल गया। अब वो मुझे मेरे हस्बैंड वो बोल रहे थे कि प्रोफेशनली इस तरीके से काम नहीं होता है कि आप किसी को भैया बोल रहे हो, आपको सर बोलना चाहिए। तो अब आदत हम लोगों को यही है कि कोई जेंट्स मिला, कोई वो मिला, तो भैया अंकल यही बोलने की है। फिर ना वो मेरे मुँह से ऐसे भैया निकल गया। फिर उन्होंने जब इन्होंने मुझे बोला कि निकी आपको सर बोलना चाहिए, तो फिर चलो, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, फिर मैंने दोबारा बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ठीक है, आप भैया बोल रहे थे तो आप भैया ही बोलिए। तो वो एक है, सीखते सीखते इंसान सीखेगा ना सारी चीज़ें, अभी तो सब कुछ नया नया है। सो बस, और बाकी डिटेल में कैसे सॉन्ग आया था, कैसे हमने सेलेक्ट किया था, और बाकी क्या क्या प्रोसेस हुआ था, सारी चीज़ें, हम लोगों ने क्या फील किया था, ये सारी चीज़ें मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ के और फिर आपको डिटेल में बताऊंगी। तो उसके लिए बस ये कल गाना रिलीज हो जाए, उसके बाद मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी सारी चीज़ें। तो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं और विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और कल तब का इंतज़ार करें, मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कल का, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ जो मैंने किया है वो अच्छा निकल के आया है या नहीं है। और गाइज एक चीज़ और, अगर अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा निकल के नहीं आएगा, तो भी कोई खराब खराब कमेंट मत करना, क्योंकि यार मेरे को डीमोटिवेट मत करना, मोटिवेट करना कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा करूं। और बस यही बोलना चाहूँगी, बाकी अपना प्यार आशीर्वाद दुलार मेरे पे बनाए रखिए कि मैं इस तरीके से काम आप सभी के लिए और अपने लिए करती रहूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ आपको, काफ़ी लोग ये मुझसे कह रहे थे कि निकी अब आप इस फील्ड में घुस गए हो ना, तो देखना जब आपको पैसे और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएंगे ना, तो फिर आप भूल जाओगे कि आप कहाँ से आते हो, और आप सब कुछ करोगे जो एक जो भी मतलब करते हैं। तो मैं उनको, उनके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना, तब भी मुझे नहीं पता था कि इससे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, मैं वो अपनी ऐसी नॉर्मल लाइफ के लिए करती थी कि हाँ चलो मुझे इससे खुशी मिलती है। तो मैं कभी भी कोई भी चीज़ पैसे के लिए नहीं करती हूँ, और ना आगे मैं करूँगी ऐसी चीज़, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत अच्छे से है। तो अब पैसों के लालच में मैं किसी भी लेवल तक नहीं जाऊँगी, आप चिंता मत करिए। मैं अपनी अपने संस्कार के साथ अपनी अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी, उसके अलावा मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें करूँगी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, आपकी निकी कभी किसी भी पैसे या किसी भी चीज़ के लिए अपनी और अपने परिवार की रेपुटेशन बिल्कुल ख़राब नहीं होने देगी। बाय।